आज के गेम प्ले में आप लोग का मजा इनटू 100 हो जाएगा या फिर आप कह सकते हो 200 हो जाएगा, क्योंकि आज सब कुछ डबल ट्रिपल होने वाला है। हमारे अपोनेंट में भाई कोनी सिंह लेके दो दो पोसाइडन आ चुके थे। मैं ब्लड रेवन सूट में था और मेरा टीममेट एक्सट्रीम भी ब्लड रेवन सूट में था, और सामने दो दो पोसाइडन वाले बंदे थे, एक बंदा जोकर में भी था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सामने की तरफ एक बंदा पोसाइडन पहन के दौड़ रहा था, और एक बंदा जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ पर से निकलूंगा तो लेफ्ट साइड में आपको वो देखो वो खड़ा हुआ मिलेगा, ये देखो ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भाई दो दो कोनी सिंह आ चुकी हैं, दो दो पोसाइडन एक्स सूट एंड दो दो ब्लड रेवन एक्स सूट। भाई आज का गेम प्ले जो तबाही भरा होने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इससे पहले कि गेम प्ले चालू हो सब लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या थंबनेल का सीन था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे उतरते हैं जॉर्जो पुल में। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज का मैच, आज का जो मजा है वो डबल ट्रबल होने वाला है, डबल ट्रिपल क्या बोलते हैं उसको। तो यहाँ हम जॉर्जो उतरे, और जरा आप लोग जॉर्जो का नजारा देखो कि कितने बंदे आए हुए हैं। तो भाई इस वाली कोनी सिंह में आप लोग को पता या नहीं पता लेकिन एक ग्लिच चल रहा है, अब वो ग्लिच क्या चल रहा है आप लोग को कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैंने आप लोग को कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में, शायद से कल की वीडियो में बता दिया था। तो देखते हैं आप में से कितने सारे लोग सही जवाब दे पाओगे, और जो लोग नहीं दे पाएंगे तो उनको मैं लास्ट में बता ही दूंगा। अब यहाँ पे मैंने तीन निहत्थे बंदों को जो है तो नॉक कर दिया। मुझे पता है कि मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इस चीज के लिए, लेकिन क्या करें यार, किल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लास्ट में बंदा साइबर भाई बिग फैन भी बोल रहा था। लेकिन लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई, दो दिन से फैन मीटअप इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण गेम प्ले बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो जिन बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ उसके बाद वो बिग फैन कर रहे थे, तो भाई ये वाले मैच में तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन मेरे टीममेट्स ने पेटी बना दी क्योंकि मैं दूसरे वाले बंदों से जो है तो मिलने चला गया था। अब ऐसा नहीं है कि फैन मीटअप नहीं होंगे, होंगे सब कुछ होंगे, जरा आप लोग रुको सब्र करो। अब यहाँ पे मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था आराम से खेलो। थोड़ा बंदे कम पे लो, मेरा मुझ गरीब का गेम प्ले बन जाने दो। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आज पोसाइडन, दो पोसाइडन वर्सेस दो ब्लड रेवन में कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आपको कमेंट्स में बताओ जल्दी। भाई ये बंदा वहीं पे पीक लेके मारने का ट्राई किया मेरे को, और एम असिस्ट से उसके हेड पे लग गई बुलेट, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों बंदे फिनिश हो गए। मतलब कि यहाँ पे दो स्क्वाड पूरी पूरी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी जॉर्जो पुल पूरा भरा पड़ा हुआ था बंदों से, आप लोग साउंड सुन ही सकते हो। और मैं अपने जालिम टीममेट्स को बोल रहा हूँ मत मारो यार, प्लीज मत मारो, किल लेने दो ना मेरे को, लेकिन ये जालिम टीममेट्स। अब जैसे को तैसा भाई स्पाइडर मॉन ने यहाँ पे बंदे मारे मना करने के बाद भी, और उसको भी बंदे ने किसी ने नॉक कर दिया। तो इसी को बोलते हैं भाई जैसी करनी वैसी भरनी। मना करने के बाद भी स्पाइडर मॉन माना नहीं, तो एक आरआईपी इन द चैट फॉर स्पाइडर मॉन। अब सामने की तरफ एक पूरी पूरी स्क्वाड थी, यहाँ पे मेरे पे हेलमेट नहीं था, तो मैंने अपने टीममेट से पूछा कि तुम्हारे पास है क्या गाइस, किसी के पास हेलमेट वगैरह, मुझे दे दो मैं रस कर देता हूँ बंदों पे। तो विक्की ने आके मुझे यहाँ पे हेलमेट दे दिया अपना। अब सामने की तरफ मुझे जो एक टीम स्पॉट हुई थी उसमें एक बंदा एक अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, और दूसरा बंदा जा रहा था उधर ही, तो मैंने एक को तो नॉक फिनिश कर दिया, लेकिन उसके बाकी की टीममेट कहां थी ये मुझे पता नहीं था। और भाई इस बंदे के साथ बहुत गंदा स्कैम हो गया, जैसे वो बंदा जंप करके मेरे मुंह के सामने आया मैंने उसके मुंह के सामने आइस वॉल बना दी और वो प्रोन हुआ, देन उसके बाद मैंने जंप एंड शॉट दिया और नॉक फिनिश। वॉच आउट, टीम अप कर रहा है।
अब यहाँ पे मेरे टीममेट्स बताते हैं भाई वो बंदा एक जो है वो टीम अप कर रहा है, ये जंप कर रहा था तो मैंने इसे नहीं मारा, छोड़ दिया क्योंकि इसके पास गन थी। और तभी भाई पीछे के साइड से फायर आता है, अब मेरे टीममेट्स बताते हैं कि इन्हीं का टीममेट है, तो भाई अब मैं कंफ्यूज मारूं कि छोड़ूं, मारूं कि छोड़ूं। पीछे से एक और टीम ने रस कर दिया हम पे, अब भाई हिल से अलग ही पड़ने लगी मुझे। पीछे और बंदे हिल वाले बंदे को मैंने डैमेज किया, और पीछे जिस बंदे ने मारा था उसको मेरे टीममेट्स ने नॉक कर दिया। मैंने पूछा उन लोगों से कि पीछे जो टावर से बंदा मार रहा था वो उसको नॉक किया कि नहीं, और वो अलग ही टीम का बंदा था। तो यहाँ पे इसको रिवाइव, जिस बंदे ने नॉक किया था ना, जिसने फायर किया था हम पे, उसको रिवाइव कर रहा था वो। तो एक्सट्रीम ने बोला कि इसको रिवाइव होने दूं कि नहीं, तो मैंने बोला यार देखो मार रहा था भाई। और तभी ये पहाड़ वाले बंदे भी जंप करने लगते हैं भाई, तो उन बंदों को हम लोग छोड़ देते हैं और उनको छोड़ के बोलते हैं तुम लोग अब फाइट मत लेना और इनसे मिल ले, इनसे मिलने के लिए हम लोग आते हैं। ये पहाड़ वाले बंदे यहाँ पहुंच गए थे, तो उसके बाद एक बंदा जंप कर रहा है और उसे एक दूसरा बंदा मार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, जब मिलना है तो पूरी टीम मिलो, अगर नहीं मिलना है तो पूरी टीम फाइट लो यार। एक बंदा जंप कर रहा है और एक बंदा पीछे से छुप के मार रहा है, मेरे को ये लिटरली भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ऐसे दो बार हो गया एक ही गेम में सेम टू सेम, फिर भी मैंने इनको बोला कि कोई ना हील कर लो। अब जरा आप लोग यहाँ पे ये देखो भाई, सेम गेम में तीसरी बार ऐसा हुआ भाई कि जिस टीम से मीटअप कर रहे हैं उसी का एक बंदा नौटंकी पेल रहा है। गाइज यार ऐसा बिल्कुल मत किया करो, जिनको फाइट लेना हो तो पूरी टीम फाइट लो, नहीं लेना है तो भाई यार पूरी टीम मत लिया करो फाइट। अब यहाँ पे मैंने इसको बोला भाई मैं तुम्हारी टीममेट को भरने जा रहा हूँ, तो उसने बोला भर दो भाई भर दो, वो नहीं करना चाहता मीटअप। तो मैंने बोला यार ये क्या है यार, तुम दोनों जंप कर रहे हो फिर ये गलत चीज़ है, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं रुको जरा सबर करो। एनिनिक साथ इन भैया को यहाँ पे नॉक कर दिया मैंने। अब उनके बाद बोला कि भाई तुम्हारे टीममेट मीटअप करें, तुम पीछे से मार क्यों रहे हो भाई, और उसके बाद इसको कर दिया फिनिश। अब यहाँ पे भाई इन बंदों के साथ थोड़ा सा बातें वाते हुई, उसके बाद इन लोगों ने बोला भैया थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लो, लेकिन अभी आप लोग को भाई देखो एक नज़ारा दिखाता हूँ। वहां आपको पेड़ के पास कुछ दिखा भाई, डासिया उड़ा रहे हैं बंदे, डासिया हवा में उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद इन बंदों से टीम अप करने के बाद, मीटअप करने के बाद हम लोगों ने बोला हम लोग अब जाते हैं गाइस लास्ट में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे घूम के हम लोग आए, मेरा टीममेट बताते हैं यहीं कहीं से बंदे फायर वगैरह कर रहे थे। तो इस बंदे को तो मैंने भर दिया, लेकिन उसके बाद इसका टीममेट या फिर जो भी हो वो वहां पे दूर था, वो देखो दिखाई दिया। देन उसके बाद ये भैया भी जंप करने लगते हैं, तो इनसे मीटअप वगैरह करके हम लोग आते हैं स्कूल अपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत गलत सीन होने वाला है, गलत सीन ऐसे कि ये बंदे M4 और बैरल ऐसा चला रहे हैं जैसे इनके रिकॉयल ही नहीं है भाई गन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को, रुक जाओ देखने को मिल जाएगा। मैंने इन बंदों को भाई डैमेज करने का ट्राई किया, लेकिन ये पत्ती के कारण मैं ठीक से ट्रैक नहीं कर पाया उस बंदे को। अब ये बंदे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक स्प्रे दे रहे थे, मतलब एक नॉर्मल एवरेज प्लेयर के लिए ये नामुमकिन है, और बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर हूँ जिनकी भाई 5-6 की खेल वो भाई ऐसा स्प्रे देते। ये वाले स्प्रे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को आगे चल के दिखाऊंगा कैसे स्प्रे की बात कर रहा हूँ। और आजकल BGMI में ऐसा हो रहा है कि जो भी एमुलेटर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो एमुलेटर प्लेयर्स का अलग सर्वर नहीं है, वो मोबाइल प्लेयर्स के ही सर्वर पे खेल रहे हैं। तो भाई बहुत आजकल ऐसा हो रहा है कि एमुलेटर प्लेयर्स जो है तो हमारे मैच में आते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बंदे या तो हैकर हो सकते हैं या तो एमुलेटर प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में कल रितेश के लाइव स्ट्रीम में भी एमुलेटर स्ट्रीमर एक आ गया था। स्प्रे देखो भाई, गलत ही स्प्रे, भाई गलत ही स्प्रे।
M4 बैरल का भाई इतना लिटरली जहर स्प्रे की क्या बताऊं, वो भी इतना कवर में आने के बाद। अब यहाँ पे भाई हमको लगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेयर है ये लोग, लेकिन आपको रुक जाओ थोड़ा आगे चल के आपको पता चलेगा, इनकी KD भी दिखाऊंगा मैं। अब उसके बाद मैंने अपने एक तो ये गाड़ी भाई बवासीर गाड़ी, पता नहीं क्या है इस गाड़ी में ग्लिच। अब मैंने अपने टीममेट्स को बोला तुम लेफ्ट से जाओ मैं राइट से आता हूँ, और जैसे वो लेफ्ट से पहुंचे एक्सट्रीम नॉक बैरल से। अब उसी टाइम पे जैसे मैं तुरंत भाग के आया, इस वाली बिल्डिंग पे ग्रेनेड हो रहे थे, मैं इस बिल्डिंग पे आया, मेरा दूसरा टीममेट भी स्पाइडर मॉन भी गया। ये चलने वाला ग्लिच और ज्यादा दिमाग खराब। गाड़ी से जब भी उतरता हूं मैं, देखो प्लेयर कैसे चल रहा है। एंड इतनी फूटी किस्मत, अब आप लोग जरा यहां पे ये देखो भाई, वो बंदा स्लाइड होके एकदम नीचे गिर गया। मतलब सबसे पहले तो भाई, अब इन लोग का स्प्रे के हिसाब से इनका KD देख लो, 2 KD इस बंदे की, ठीक है ना। डांस वांस करते हैं लोग तो अच्छे प्लेयर होंगे मुझे लगा था, ठीक है ना, है स्किन वगैरह सब कुछ है। 2 KD 3 KD तो हो सकता है ये लोग एमुलेटर प्लेयर हो या फिर बहुत तगड़े प्लेयर हो, मालूम नहीं। लेकिन उस मैच को ख़त्म हम लोग वहीं पे कर देते हैं, वहां से बाहर आ जाते हैं हम लोग। अब मुझे मालूम नहीं प्रो प्लेयर हैं हैकर से या एमुलेटर प्लेयर से, वैसे तो मुझे प्रो प्लेयर्स ही लग रहे थे या फिर एमुलेटर प्लेयर्स होंगे, हैकर तो नहीं होंगे वो लोग। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इस वाले मैच की, जिस मैच में भाई मेरे और एक्सट्रीम के पास ब्लड रेवन था, सामने वाले एनिमीज के पास थे 2 पोसाइडन वो भी मैक्स आउट, और साथ ही साथ हमारे दोनों के पास थी कोनिसी। अब उसके बाद हम लोग उतरते हैं भाई यहाँ मिलिट्री बेस में। अब यहाँ आप लोग तबाही और बर्बादी का मंजर देखो, भाई समझ में नहीं आ रहा था किसे मारूं किसे ना मारूं। अपने ऊपर एक बंदा है, अब 2 बंदे तो यहाँ पे उतरते मैंने ढेर कर दिए थे। ये भैया को M4 मिल गई थी, लेकिन जब तक इन्हें M4 मिली तब तक मैंने इनकी पेटी डाल दी, और टावर से अलग बंदा मार रहा है, सही टाइम पे नीचे आ गया, नहीं तो ये टावर वाला मेरी पेटी बना देता। अब भाई पूरे मिलिट्री बेस में लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ 50 बंदे उतरे थे। भाई यहाँ तो मेरी जान हलक में आ गई थी, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई एकदम से मुंह के सामने बंदा आया और मैंने जंप किया, लेकिन हेलमेट वेस्ट ना होने के कारण मैं यहाँ पे नॉक हो गया। तो मेरे टीममेट्स ने मुझे रिवाइव किया, उसके बाद मैं यहाँ पे हीलिंग्स वगैरह लेता हूँ। अब सेंटर वाली बिल्डिंग में हमारा कब्जा था, और उस वाली बिल्डिंग में एक अलग टीम का कब्जा था, और पीछे वाली बिल्डिंग में एक अलग टीम का कब्जा था, टावर में अलग टीम का कब्जा था, टावर के पीछे वाली बिल्डिंग्स में अलग फाइट चल रही है, राइट साइड अलग फाइट चल रही है। भाई मतलब पूरा मिलिट्री बेस भरा पड़ा था, लेकिन मुझे सिर्फ तलाश थी उन 2 पोसाइडन वाले और बंदों की। लेकिन अभी तक किल फीड में ना ही उनका किल मैसेज में नाम आया और ना ही डेथ मैसेज में नाम आया, तो इसका मतलब मैं समझ गया था कि वो लोग आई थिंक वो मिलिट्री बेस नहीं उतरे, नहीं तो भाई अभी तक कोई ना कोई उन्हें भर चुका होता या फिर वो किसी ना किसी को भर चुके होते। अब उसके बाद यहाँ पे इन बंदों को मैं मार देता हूँ। देन उसके बाद पीछे से भी हम पे फायर हो रहा था, टावर में भी मुझे ऐसा लग रहा था बंदे हैं, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि यहीं पे रुको, तभी पीछे से हम पे एक अलग टीम का रश हो जाता है। शॉटगन अभी आ गए, आगे पुलिस पड़ा है। पर M4 फेंका था, मैं M4 उठा लिया। अब यहाँ पे इस बंदे का एक का तो नाम आने लगा किल फीड में, मतलब वो लोग भी फाइट ले रहे हैं। भाई ऊपर ही अलग लेटा हुआ है, नीचे मेरे टीममेट को किसी कैंपर ने भर दिया। भाई साहब क्या बताऊं, भाई लिटरली क्या बताऊं। रुस्तंग भाई क्या नाम है आपका, भाई आपने तो भर दिया स्पाइडर माउंट को। एंड उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे भाई डिसाइड करते हैं कि एक साइड से क्लियर करेंगे बंदों को, और हम लोग इस वाली बिल्डिंग में आते हैं। अब मिडिल वाली तो बिल्डिंग फिनिश थी, मतलब हम पे अब रस होना नहीं था, तो हम लोग सीधे आते हैं इस वाली बिल्डिंग में,
और तभी भाई लास्ट वाली बिल्डिंग में एक अलग स्क्वाड आ गई। भाई इस बिल्डिंग के अंदर भी बंदा और बाहर भी बंदा। दो बंदे नॉक। आप जरा आप लोग ना मेरी फूटी किस्मत देखना, लिटरली मेरी फूटी किस्मत देखो आप लोग, कितनी फूटी हो सकती है किसी की। भाई वो शॉर्ट गन वाला बंदा एक्सट्रीम को मार रहा था, उसके आर पार गोलियां आके इतना दूर मुझे पूरी की पूरी लग गई और मैं नॉक हो गया, और उसी टाइम पे हम पे एक अलग स्क्वाड ने रश कर दिया। मैं बता रहा हूँ इधर से बंदे आएंगे मगर एक्सट्रीम की पता नहीं कहाँ ही नजर। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारी पेटी बन गई और उन पोसाइडन वाले बंदों से हमारी फाइट नहीं हो पाई, हमें पता भी नहीं वो जिंदा है कि मर गए। वैसे किल फीड में उनका भी नाम काफी आ रहा था तो वो लोग डेफिनेटली जिंदा होंगे। फिलहाल के लिए आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर। अब यहाँ पे भाई पता नहीं एक्सट्रीम के दिमाग में क्या चल रहा था भाई, और कितनी फूटी किस्मत, मतलब शॉर्ट गन की गोली कहाँ से आके कहाँ चिपक गई भाई, मतलब एक्सट्रीम की जगह मेरे को आके छर्रे पूरे चिपक गए, हद है। छोड़ो गाइस, आप लोग को अगर गेम प्ले पसंद आया तो एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल के वीडियो में, टिल देन सायनारा। और हाँ, कोनी सी को स्पीड ग्लिच के बारे में कमेंट करके जरूर बताना।